इनके हस्बैंड में शुक्राणु भी बहुत कम थे, मतलब नील थे, और इनके ट्यूब्स बंद थे। तो फिर इसका ट्यूब खोलने का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, फिर मैडम का मतलब हम लोगों ने कंसल्ट किया, हम लोग को डिलेट करके इनको आज 7 मंथ का बेबी पेट में है माशाल्लाह, और हमको लगता है कि 2 महीने के बाद डिलीवरी भी हो जाएगी इनकी। तो ये मैम जो आपने बात बताया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस तरह से परेशानी से लोग बहुत तरीके परेशानी जीवन जी रहे हैं, और इस तरह से दिल्ली पटना गोरखपुर या मेट्रो सिटी में जाना जाते हैं, लेकिन अभी सीवान में ऐसा मतलब सुविधा हो चुका है क्या आपके द्वारा? तो नहीं हुआ है अभी। हमारा जो सेंटर है वो प्री एंड पोस्ट केयर सेंटर है, क्योंकि इतनी भारी मशीन लगाने के बारे में अभी हम सोच रहे सिवान वासियों के लिए कम से कम कुछ तो हम अच्छा कर जाएं। हम बाहर से आए हुए हैं सिवान में, आकर मेरी शादी हुई सिवान में, और हमको लगता है कि अगर हम सिवान आए हैं तो खुदा ने हमें किसी न किसी रीजन से सिवान भेजा है, अदरवाइज हम कहीं किसी और भी शहर चले जाते हैं, तो हम सिवान आए तो सिवान वासियों को कुछ तो अच्छा दे पाए। तो अच्छा देने में हमको यही पहल लगा कि लोगों की दुआएं लेते रहिए, और कोई भी दुआ तभी देगा जब उसे गोद में बच्चा खेलेगा। चले तो क्या करे, आपका नाम क्या हुआ, कहाँ घर है आपका, कहाँ घर है आपका? पकड़ी। अच्छा, पकड़ी घर है। तो इस तरह से और भी लोगों को अवेयरनेस करिएगा, और लोग बताइएगा इस तरह से। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर M.S. अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से। आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766969414। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। जिला सिवान की बात हो रही है तो यहाँ एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति के द्वारा मरीजों का इलाज होता है, और आज भी पुराना चिकित्सा पद्धति जिंदा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज दुनिया चांद सितारों से आगे जा चुकी है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज भी परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सहारे मरीजों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। और इस साइंटिफिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चिकित्सा होना चाहिए उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जन जागरूकता का अभाव कहें या व्यावसायिक मानसिकता कहें, लेकिन इन तमाम चीजों को करारा जवाब देते हुए एक महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सबीना जावेद ने एक शुभ शुरुआत किया है, और बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से कंप्लीट साइंटिफिक डायग्नोसिस के आधार पर मरीजों की सेवा कर रही हैं, जो अपने आप में एक नया इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। और सिवान के लिए ही नहीं बल्कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर कार्य करने वाले चिकित्सकों के लिए इन्होंने एक संदेश देने का काम किया है। सबसे पहले डॉक्टर सबीना जावेद जी और उनके साथ जो उनके जीवन साथी हैं वो भी मौजूद हैं, जो प्रोफेशनल इंजीनियर हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सबीना जावेद जो एक ऐसी महिला चिकित्सक हैं जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चला रही है उसको धरातल पर क्रियान्वित कर रही हैं। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया आप लोगों का। और मेरा नाम सबीना जावेद हुआ, और पिछले कई सालों से हम सिवान में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। मैडम मैं काफी देर से आपका ये लाइव प्रोग्राम देख रहा था, और मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप जैसी महिला चिकित्सक के द्वारा इस तरह का एक बहुत ही विश्वसनीय और सराहनीय प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी टीम भी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद और साधुवाद देती है कि महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, और सरकार का महिला सशक्तिकरण अभियान जो चल रहा है उसको त्वरित गति आप प्रदान कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो निसंतान हैं और उनका घर आंगन जो है सुना सुना दिखाई दे रहा है, मंदिर मस्जिद में वो दौड़ रही है, भगवान की आराधना कर रही है, इबादत कर रही है, लेकिन उन्हें औलाद नहीं हो रहा है। इसके लिए आप जो प्रयास कर रही है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे, हर महिलाओं के लिए ट्रीटमेंट है। अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो थोड़ा कॉस्टली ज़रूर हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट तो है। लेकिन जिन महिलाओं को बेबी नहीं आ रहा है, जिसे घर में बच्चा किलकारी नहीं ले रहा है, कम से कम वो आकर एक बार दिखाएं, कंसल्ट करें और समझें कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें मेडिसिन से या जैसे भी। मैडम एक सीधा सवाल आपसे, आज भी जो एक घृणित मानसिकता हमारे समाज में विद्यमान है
कि बेटियों को इज्जत और सम्मान नहीं दिया जाता है और जो बेटे हैं उनको ज्यादा सम्मान मिलता है, उनको ज्यादा कह रहे हैं कि आज की डेट में भी जैसे हमारा जो समाज है ना वो पुरुष प्रधान समाज कह सकते हैं। यहाँ पे अगर घर में थाली लगेगी तो लड़कों की थाली ज्यादा हैवी लगेगी बशर्ते लड़कियों की, लेकिन कहीं लड़की और लड़का हमारे लिए दोनों ही बहुत जरूरी है और दोनों ही बराबर है। हम आज भी कहना चाहेंगे कि अगर एक लड़की शिक्षित होगी और हेल्दी होगी तो वो अपने घर की तीन पीढ़ियों को शिक्षित और हेल्दी बनाएगी। जैसे अगर एक महिला हेल्दी है तो अपने बड़े बुजुर्ग को भी देख लेगी, अपने बच्चों को भी देख लेगी। अगर वो बीमार है तो वो किसी को नहीं देख पाएगी, यानी कि ना बड़े बुजुर्ग को देख पाई ना बच्चों का ख्याल रख पाई। तो एक महिला अगर शिक्षित है और हेल्दी है और स्वस्थ है तो अपने घर के वो तीन पीढ़ियों को स्वस्थ और हेल्दी और शिक्षित बनाती है। तो महिलाओं को हेल्दी और मतलब शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, क्योंकि आप जो है काफी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। जी मैडम, हमको मेरी फैमिली का और स्पेशली मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर तुम सही हो तुम वो करो और हम ऑलवेज तुम्हारे साथ हैं। मेरे लिए कहते हैं ना कि ये एक रामबाण है, तुम मतलब तुम जो भी करो हम हैं जो वर्ड है ना ये बिल्कुल लगता है कि पूरे पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे अंदर आ गई है कि चलो हम हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सबीना जावेद ने अपने पति को कहा कि मैं काफी गौरवान्वित हूँ, मुझे फक्र है कि मुझे ऐसे जीवन साथी मिले हैं। सर चूंकि आपसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुकात है और आपके वालिद मोहतरम से भी हमारा बड़ा क्लोज रिश्ता रहा, चूंकि अब तो इंतकाल कर गए स्वर्गवास हो गया, तो क्या कुछ कहेंगे जो आपकी धर्म पत्नी है जिस तरह से कार्य कर रही है और हर पुरुष चाहता है कि हमारी पत्नी जो ऐसा काम करे जिससे कि समाज को एक दिशा मिले, तो इन सब कार्यों को देखते हुए आपको क्या अनुभूति होती है? खुशी तो बहुत होती है और बस यही कहना है कि खुशी बांटते चलो, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल, तो आज का जो सर कार्यक्रम रहा इस कार्यक्रम पर मैंने देखा कि बहुत दूर दराज से महिलाएं आई हुई हैं और यहाँ महिलाएं जो आई हैं किसी न किसी उम्मीद के तहत आई हैं, उनका आशा है भरोसा है विश्वास है कि मुझे कुछ हासिल होगा। तस्वीर हम दिखलाना चाहेंगे, जरा महिलाओं को दिखाएं क्योंकि ये लोग काफी देर से कार्यक्रम देख रही हैं सुन रही हैं। और डॉक्टर सबीना जावेद जिस तरह से यहाँ पर आई हुई महिलाओं को कन्विंस कर रही थी, समझा रही थी, अन्य अस्पतालों में देखने को मिलता है कि महिलाएं जाती हैं उनका पुर्जा लग जाता है और डॉक्टर जो है सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर दवा लिख देते हैं और उनको मेडिसिन खरीदने की सलाह दे देते हैं। अब इस तरह से जो पुराना एक पैटर्न है उसको इन्होंने किनारा करते हुए एक नया शुरुआत किया है जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। आप सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर साहब, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।